कोई यातायात नियमों की शर्म, राजधानी के अंदर धज्जियां उड़ाई जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग का बोर्ड है, पैदल चलने वाले व्यक्तियों का रास्ता तक नहीं छोड़ा, पैदल चलने वाले व्यक्तियों के अधिकार तक छीन लिए गए। ये वो रोड है जहाँ से राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति गुजरते हैं, जहाँ से इस रोड से बड़े बड़े अफसर गुजरते हैं, इस रोड से MLA MP गुजरते हैं, उसके बावजूद भी रोड पे नो पार्किंग के बोर्ड लगने के बावजूद भी गाड़ियां खड़ी है। क्यों नहीं बोलता कोई सरकार, क्यों नहीं लेते स्वतः पर संज्ञान, कहाँ होती है परिपत्र की पालना। हमारे साथ टीम JVP मीडिया ग्रुप की इस पहल में भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के भागीरथ जी भंवरिया है, जो स्वयं पुलिसकर्मी रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को अच्छी तरह जानते हैं और किस तरीके से ट्रैफिक को सुधारा जा सकता है उस पर अपनी बड़ी बात रखते हैं। तो हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि अवैध पार्किंग नहीं होगी और हाईकोर्ट की बिल्कुल एंट्री के सामने ये अवैध पार्किंग का बड़ा नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं भागीरथ मल भंवरिया भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से, इतने दिन तो रोड एक्सीडेंट में बचाने के लिए स्कूल के अंदर जाता था, बच्चों को रोड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस करता था, जागरूक अभियान छेड़ रखा था, लेकिन रोज़ अखबार के अंदर इस तरीके से न्यूज़ चल रही है कि आज इतने मरे इतने घायल, रोज़ 35 से 40 के करीब लोग मारे जाते हैं। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य द्वार, जहाँ के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने नज़र आ रहा है, ये है नो पार्किंग। और नो पार्किंग होने के बावजूद यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं, नो पार्किंग में। सामने देखिए आप, उधर बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग और सारी गाड़ियाँ नो पार्किंग खड़ी हैं, और इसमें गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी हैं, और इसमें जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके ऊपर ज़्यादातर सरकारी गाड़ियों का भी लिखा हुआ राजस्थान सरकार लिखा हुआ। रोज़ रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद भी नो पार्किंग में, नो पार्किंग का बोर्ड लगने के बावजूद भी किस तरीके से रोड को जाम कर रखा है, पैदल चलने वाले व्यक्तियों को रास्ता तक नहीं दिया जाता, जिस परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, रोज अखबार के अंदर इतनी सारी मौतें हो रही हैं, उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, न कोई लोकसभा में न कोई विधानसभा में। रोड पार्किंग के मामले में नो पार्किंग के बाद भी इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये वो रोड है जहाँ से राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति गुजरते हैं, जहाँ से इस रोड से बड़े बड़े अफसर गुजरते हैं, इस रोड से MLA MP गुजरते हैं, उसके बावजूद भी रोड पे नो पार्किंग के बोर्ड लगने के बावजूद भी गाड़ियां खड़ी हैं। कोई कर रहा पालना? रोज रोड एक्सीडेंट में इतनी मौतें हो रही हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई बोलने को राजी नहीं है। इसके ऊपर स्वतः प्रसंज्ञान लेने की जरूरत थी, उसके ऊपर कोई प्रसंज्ञान नहीं लेना चाहता। आए दिन अखबार में भरा रहता है इतने लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, इतने एक दिन न्यूज आती है दूसरे दिन दूसरी न्यूज में बदल जाती है, क्या यही नज़ारा रहेगा? ये नज़ारा है, आप साक्षात देख सकते हैं पूरे राजस्थान का नज़ारा, जहां से पूरा सरकार चलती है, जहां से पूरे आदेश पारित होते हैं और उस निर्णय की पालना करता है प्रशासन। रोज रोड एक्सीडेंट पे 35 से 40 आदमी मारे जाते हैं, उसके बाद देखिए आप सामने नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए, अब आप आगे आइए। इस तरह से ट्रैफिक पूरा जाम होता है इस रोड पे, क्या यह यातायात नियमों का नहीं जानते? इसके आगे का नजारा देखिए आप, किस तरह से ट्रैफिक जाम है, पैदल चलने वाले व्यक्तियों का फुटपाथ तक जाने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने वाला व्यक्ति रोड तक पर नहीं जा सकता। नो पार्किंग का बोर्ड लगे होने के बावजूद भी जहां से न्यायाधिपति गुजरते हैं, जहां से सरकारों के हर अफसर गुजरते हैं, जहां से बुद्धिजीव रहते हैं, उस जगह पर यातायात नियमों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। क्यों नहीं बोलता कोई सरकार, क्यों नहीं लेते स्वतः पर संज्ञान, कहां होती है परिपत्र की पालना? देखिए आप आगे आइए, गेट नंबर 3 और 4 के बीच में देखिए आप, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय की बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग का बोर्ड है, पैदल चलने वाले व्यक्तियों का रास्ता तक नहीं छोड़ा, पैदल चलने वाले व्यक्तियों के अधिकार तक छीन लिए गए। रोज राजस्थान रोड एक्सीडेंट में
कम से कम 30-35 लोगों की रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं। इस मुद्दे पर कोई भी बोलने को राजी नहीं है। सबको अपनी अपनी चिंता लगी हुई है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रोज नए कोई यातायात नियमों की सरेआम राजधानी के अंदर धज्जियां उड़ाई जाती है। जहां से न्यायालय न्यायाधिपति महोदय बैठते हैं, नो पार्किंग का बोर्ड, सरेआम गाड़ियां खड़ी हैं, कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। कौन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है इसका? पैदल चलने वालों का रास्ता तक नहीं है यहाँ पे। जिसके बच्चे गुजर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, मर जाते हैं, उसके परिवार के परिवार उधर जाते हैं। क्या सरकार इस मुद्दे की ओर गंभीरता से नहीं ले? कोरोना से भी इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी मौतें रोज रोड एक्सीडेंट से हो रही है। ये गेट नंबर 4, राजस्थान उच्च न्यायालय का गेट नंबर 4। आप देखिए गेट 4 नंबर के आगे किस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं। आप नजर डाल दीजिए, स्वयं सामने नजर डाल दीजिए। नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद गाड़ियां खड़ी हैं। रोज रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं राजस्थान की राजधानी के अंदर, और वो भी राजस्थान उच्च न्यायालय, जहाँ से सारे तमाम अधिकारी, तमाम बड़े 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 अफसर, MLA, MP सब लोग गुजरते हैं। लेकिन इस यातायात नियमों की ओर कोई भी नहीं बोलना चाहता, न कोई इस ओर बात करना चाहता। राजस्थान उच्च न्यायालय की बिल्डिंग के सामने नो पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी हैं।